साइना एनसी जी जुड़ गई हैं चर्चा के लिए। साइना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी। साइना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए एक बार फिर से हमारे गेस्ट जो हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगी साइना जी खुद। गुलाबचंद जी, आपका क्या कहना है इस बयान पर? जी पूजा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण है कि आज एक ऐसा टॉपिक आपके बीच बन रहा है। सबसे पहले मैं दिवाली की शुभकामना देना चाहूंगा आपको, आपके चैनल के बीच में बैठे मनी बाला साहब विचार को लेकर के सावन जी चल पड़े और देश के लोग सबसे बड़े उस न्यायपालिका के मंदिर बैठते हैं सदन में बैठते हैं जहां देश को एक ऐसा दिशा दी जाती है। एक ऐसा संसद सदस्य के मुंह से आके ऐसी घटिया कब माल सब माननी वाला साहब ठाकरे कहा करते थे पूजा कि नारी शक्ति का पूजन हम सृष्टि का स्थितन व्यक्ति है। गुलाबचंद जी, आऊंगी आपके पास। शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी जी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। साइना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही देखिए, ये जो घमासान मचा हुआ है बयान को लेकर, बवाल और उसके बाद महिलाओं के सम्मान पर सवाल, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी आपसे कि इस बयान को लेकर जो घमासान है, आखिर क्या ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जब कोई भी नेता महिला का आदर सम्मान नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कार्रवाई जरूरी करनी चाहिए। अरविंद सावंत जी ने कल कहा कि मैं इम्पोर्टेड माल हूँ। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन आइटमाइजिंग महिलाओं का कहाँ से शोभा देती है महाविनाश आघाड़ी को? क्यों उनके नेतृत्व चुप है? एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है जो सक्रिय रूप से महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं और दूसरे तरफ है महाविनाश आघाड़ी जैसे बयानबाजी पे उतरी है और इसलिए मैंने FIR दर्ज किया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में। Section 79, Section 356A और भारतीय न्याय संहिता के समेत आपको पता है कि डेफामेशन हो या आउटरेजिंग ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी बहुत ही जरूरी है कि ये पब्लिक डोमेन में आए ताकि महिला सक्षम हो, सुरक्षित हो। और जब हम लाड़की बहन की बात करते हैं तो मुंबा देवी की लाड़की बहन हमारे पास खड़ी है। बिल्कुल साइना जी, लेकिन देखिए जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खुद अरविंद सावंत ने बाद में फिर से एक बयान दिया, प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि ना तो उन्होंने आपका नाम लिया, ना उन्होंने महिलाओं का नाम लिया, ना ही उन्होंने महिला शब्द का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक एजेंडा है जिसका इस्तेमाल करके इस बार चुनाव में प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। उनको चर्चा करनी तो डेवलपमेंट रिलेशंस पे बात कीजिए, मुंबा देवी के विकास के ऊपर बात कीजिए। आप लगातार कितनी करते हैं और आपको लगता है कि लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए? मैं पूछती हूँ, ये कहा विनाश आघाड़ी के नेतृत्व हर मुद्दे पे बात करते हैं लेकिन महिला के सम्मान को लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं करते हैं? नहीं, देखिए महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है और महिलाओं का सम्मान करना आज नहीं कल नहीं हमेशा ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साइना जी, ऐसे में एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी। देखिए अमीन पटेल को लेकर जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया, आपने बखूबी कहा कि मैं महिला हूं माल नहीं, ये बेशक से कहा गया, लेकिन मुंबा देवी से जो उम्मीदवार आपको बनाया गया है, जरा मैं चाहूंगी कि वहां की जो जनता है जो हमें देख रही है उन्हें भी इस चीज का जवाब मिलना चाहिए कि जो उम्मीदवार वो चुने उसे बहुत सोच समझ के चुनने की जरूरत है। महिलाओं के सम्मान सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, फिर चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन महिलाएं हमेशा सर्वप्रथम रहनी चाहिए। उनको क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, महिलाओं को ना सिर्फ उनका आत्मसम्मान, लेकिन जब कोई महिला उतरी है तो मुद्दे पे चर्चा कीजिए। जब कोई महिला उतरे हैं उनके विजन प्लान के ऊपर चर्चा कीजिए। महिला उतरी है और सिर्फ बयानबाजी करना और ये कहना कि वो माल है, उसको उससे एक चीज स्पष्ट है कि ये विकृत मानसिकता है। मैं लोगों के लिए काम करने आई हूँ, 20 साल से सार्वजनिक जीवन में कहीं भी
कोई भी कंट्रोवर्सी में न जाते हुए एक भी एफआईआर मैंने दर्ज नहीं किया। और जो लोग सिर्फ यहाँ महिलाओं के लिए ऐसे टिप्पणी इस्तेमाल करते हैं उससे एक चीज स्पष्ट है, वो बिल्कुल खौफ से तड़प रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तीन बार एक पुरुष नेता को चुना है, अब आया है मौका एक नेत्री के नेतृत्व के लिए। बिल्कुल देखिए, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से कंगना रनौत को लेकर भी बयान दिया गया था, भाव पूछे गए थे और वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। और उसके बाद अब जिस तरह से ये बयान दिया गया, वाकई ये काफी शर्मनाक है कि आप महिलाओं को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि शायद पब्लिक जो है, जनता जो है, वो भी बदलाव चाहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस अपनी जो रणनीति है वो ठीक से तैयार नहीं कर पाती और एक और परेशानी अपने लिए इन्होंने खड़ी कर ली। देखिए, महिला जो है ना, खास तौर से आज 21वीं सदी में जो आई है काम करने के लिए वो जरूर काम करेगी। ये वही अरविंद सावंत है जो 2014-2019 में हम जैसे लाडकी बहन से मदद लेके उनके पूरे इलेक्शन कैंपेन को मोदी जी का नाम इस्तेमाल करके चला रहे थे, तब हम लाडकी बहन, और आज से बिल्कुल विपरीत माल बन गए हम। तो माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है, मुंबई कर के मुंबा देवी के महिलाओं का आशीर्वाद है और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आशीर्वाद है जिन्होंने लाडकी बहन को एक ढंग से इंपावर किया है मुंबा देवी में, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी महिला हमारे साथ खड़े रहेंगे और हमारे साथ इस जंग में शामिल रहेंगे। बिल्कुल शायना जी, हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं तमाम हमारे जो गेस्ट हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। मैं चाहूंगी कि एक बार आपके सवाल का जवाब दें। चलिए ठीक है, तो देखिए शायना जी हमारे साथ जुड़ी थी और उन्होंने बताया कि किस तरह से हर मुद्दे पर काम किया जा रहा है, हर मुद्दे के हिसाब से मुंबा देवी से इस बार बदलाव का